जाते हैं इतने ही नहीं, या वे सबका त्याग कर देते हैं इतने ही नहीं, वे सब घटनाओं के बीच में ही ये समासीन है। सब घटनाओं के बीच में ही अपनी निष्ठा में अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहते हैं। उदासी जो होते हैं वो घटनाओं से ऊपर उठ के, जैसे समाधि में बैठ गए, परमात्मा में बैठ गए, यहां गए, वहां बैठ करके संसार की घटनाओं से असंग हो जाते हैं। और सन्यासी लोग त्याग करके घटनाओं से उदासीन होते हैं। सन्यासीन एक उदासीन है और एक सन्यासीन है। और ये कौन है? बोले ये समासीन है। समास से जहां के तहां बैठे हुए हैं चट्टान की तरह, और समुद्र के तूफान, उसका ज्वार, उसकी तरंगें आ करके बार बार टकराती हैं और उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। कोई कोई ऐसे होते हैं कि लहर है ना,
समुद्र की लहर आती दिखी तो भगे, क्या निकल जाओ भाई बाहर। और कोई ऐसे हुए जो उछल गए बोला, और कोई ऐसे हुए जो सामने लहर को अपनी छाती पर ले लेते हैं। तो जय तद्विद हो, जिन्होंने उसको जान लिया उनके लिए, क्योंकि संसार समुद्र की सारी लहरें झूठी हैं, इसलिए न डर के भागने की जरूरत है न उछलने की जरूरत है। वो तो रज्जू में कल्पित सर्प के समान संपूर्ण प्रपंच की सब तरंगों को देखते हैं, इसलिए उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे बाबा, चाहे जैसी सृष्टि प्रतीति होवे और चाहे नहीं होवे, वो तो एक रस बैठे हुए हैं। अब बताते हैं ये सब माया का ही खेल है। वेद वेदांत पढ़ने का अभिप्राय भी यही है कि परमात्मा को जाना जाए। यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति, जिसने उस परमात्मा को नहीं जाना वो यदि सारे वेदों के मंत्रों को कंठस्थ किए हुए है तो उससे क्या बनता बिगड़ता है, क्या करेगा उसको लेकर के। अब बताते हैं ये मायावी ईश्वर सब अपनी माया से ही बनाता है। वेद में भी जो यज्ञ आदि का वर्णन है वो सब माईक है, और जो परमात्मा का वर्णन है वो परमार्थ। देखो अगले मंत्र में क्या बढ़िया इसका खुलासा किया हुआ है, गुप्त बात है ये मंत्र, उसको कहते हैं जो गुप्त बता रहे। छंदांसी यज्ञाहा, क्यों भाई ऋचा पढ़ने से क्यों नहीं कुछ बनता, बोले छंदांसी सारे छंद यज्ञाहा, बड़े बड़े यूप गाड़ करके जो यज्ञ होते हैं सो, ये वाजपेय है, ये अश्वमेध है, ये राजसूय है, ये ज्योतिष्टोम है, बड़े बड़े खंबे गाड़ करके यूप गाड़ करके जो यज्ञ होते हैं उनको यज्ञ बोलते हैं। वे नहीं गाड़े जाते, और जो कर्मकांड प्रधान नहीं होते, भावना प्रधान जो यज्ञ होते हैं उनको क्रतु बोलते हैं। क्रतो स्मर कृतम स्मर आता है ना वो ईसा वाद के उपनिषद में, हे क्रतो ओम स्मर कृतम स्मर, परमात्मा के नाम का स्मरण करो और अपने किए हुए का स्मरण करो। क्या क्या हे वासनामय प्राणी, तो क्रतु शब्द का अर्थ है वासनात्मक कर्म। ये इच्छा पूरी करने के लिए ये करना, ये इच्छा पूरी करने के लिए ये करना, लौकिक कर्म भी हो, यज्ञ से केवल वैदिक कर्म, और क्रतु से जो लौकिक कर्म है इसी जीवन में फल प्राप्त करने के लिए वे भी। और व्रतानी, जितने व्रत धारण किए जाते हैं, बोले हम ये नहीं खाएंगे और ये खाएंगे, जैसे कोई व्रत लेते हैं ना, हम भोजन के समय पानी नहीं पिएंगे, ये भी एक व्रत है, और हम भोजन के समय ही पानी पिएंगे दूसरे समय नहीं पिएंगे, ये भी व्रत है बोला। व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति, जो कुछ हो गया जो कुछ होने वाला है, भूत माने हुआ और भव्य माने होने वाला, भवितुम अर्हम जो होने योग्य है, और अन्यत यच्च वेदा वदन्ति, और भी जो कुछ वेद कहते हैं, एषु विषयेषु वेदा एव प्रमाणम इत्यर्थः, इन विषयों में वेद ही प्रमाण है, किसी मनुष्य का मन किसी की कल्पना प्रमाण नहीं है। अस्मान माई सृजते विश्वमेतत्, अस्मात् वेदोक्तात् वेद वचनात् माई ईश्वरः एतद् विश्वम सृजते, इन्हीं वेद के वचनों से मायावी ईश्वर इन सब की सृष्टि करता है। मैंने दो बात बताई, एक तो ईश्वर सृष्टि करता है तो कैसे करता है, किसी को गरीब बनाया, किसी को धनी बनाया, किसी को पवित्र बनाया, किसी को अपवित्र बनाया,
किसी को यज्ञ बनाया, किसी को अयज्ञ बनाया, किसी को क्रतु बनाया, किसी को अक्रतु बनाया, क्यों बनाया? बोले अस्मादेव, वेद जो है वो बोलते हैं कि इसने ऐसा कर्म किया है, इसको ऐसा फल मिलना चाहिए। सबका नाम रूप भी वेद ही रखते हैं। मनुस्मृति में तो ऐसा लिखा है कि भूतम भव्यम भविष्यच्च, भूतम भवद भविष्यच्च, सर्वम वेदात् प्रसिद्धते। पूर्व पूर्व अनुपूर्वी के अनुसार जैसा वेद वर्णन करते हैं, जो दिन में चमके उसका नाम सूर्य रखो, ये वेद ही बताता है, और जो रात में चमके उसका नाम चंद्रमा रखो। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत्। पूर्व पूर्व सृष्टि के अनुसार ही नाम चलते हैं और पूर्व पूर्व सृष्टि के अनुसार ही रूप चलते हैं। जितनी योनियां हैं, जितने सांचे हैं, वेद बताते हैं, ये मोर पूर्व पूर्व सृष्टि के अनुसार ही नाम चलते हैं और पूर्व पूर्व सृष्टि के अनुसार ही रूप चलते हैं। जितनी योनियां हैं, जितने सांचे हैं, वेद बताते हैं, ये मोर मोर का सांचा है, ये तोते का सांचा है, ये कौवे का सांचा है, ये कोयल का सांचा है, इनका नाम इनका रूप सब वेदानुसारी। इसलिए ईश्वर कोई नवीन सृष्टि नहीं करता है। वेद जो वेद ही चक्षु है, ईश्वर के लिए भी पूर्व सृष्टि बनाने में वेद ही आंख है। वेद की आंखों से देख देख करके ही ईश्वर पूर्व पूर्व अनादि क्रम से चली आई सृष्टि का निर्माण करता है। इसलिए एषु विषयेषु यथा वेदा वदन्ति तथैव प्रमाणम्। इसलिए इन विषयों में वेद जैसा बोलते हैं वैसे ही प्रमाण है। अस्मात् वेदोक्ता वेद वदनात्। अस्मात् माने इसी वेदोक्त, वेदोक्त के अनुसार अस्मात् का अर्थ हुआ वेदा वदन्ति वदनात्। अब इसको अस्मात् जो है उसका एक तो माँ है बाद में, इसलिए त का न हो करके उसमें मिल जाता है तो अस्मात् का असमान हो जाता है। दूसरा अर्थ इसका यह है कि असमान ज्यों का त्यों रहे। माई परमात्मा जच्च वेदा बदंती तत्सृजते अस्माश्च सृजते। वेद का ऋषि बोल रहा है कि न केवल वेद में कहे हुए छंद यज्ञ क्रतु आदि की सृष्टि, उनमें वेद का प्रामाण्य, बल्कि अस्माश्च सृष्टे सृजते। हम लोगों की सृष्टि भी ईश्वर ही करता है, माने हमको ऋषि भी ईश्वर ही बनाता है। ये वेद का मंत्र है और इसका ये ऋषि है। ये पूर्व पूर्व कल्प में जो जो जिस जिस मंत्र का ऋषि था, उस मंत्र का ऋषि उसी उसी को बनाता है ईश्वर। आसमान माने हमको, और ये दुश्मान आसमान, ये अस्मत शब्द का बहुवचन है। हो माम है ना, माम माम माने मुझको, तो ये एक वचन हुआ। और बहुवचन में माम का बहुवचन क्या होता है? आसमान। माम का बहुवचन होता है आसमान। हम लोगों को वही बनाता है। और एतद् विश्वम् सृजते है, इस सारे विश्व की सृष्टि भी वही करता है। अब देखो ये प्रश्न हुआ कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो कूटस्थ परमात्मा है, वो आखिर सृष्टि करते ही कैसे है? और तो कबीर साहब बोलते हैं, काहे के काना, काहे के बाना, काहे की भरनी, है ना? ये सूत का जो कपड़ा बुना गया, काना काहे का है, ये जो संसार प्रपंच रूप पट है, ये जो विश्व रूप बेल बूटेदार, बेल बूटेदार ये जो कपड़ा है, इसमें तारों के बूटे लगे हुए हैं, इसमें चंद्रावली है चंद्रमा की, इसमें सूर्य का प्रकाश है, इसमें हीरे मोती जड़े हुए हैं, ऐसा ये जो प्रपंच पट है जिसमें धरती है, जिसमें आसमान है, जिसमें हम सब हैं, वेद है, यज्ञ है, चंद है, इसका ताना क्या है, इसका बाना क्या है, इसकी भरनी क्या है,
वो कपड़ा बुनते समय जिसको बुनते समय चलाते हैं वो उसको भरनी, जुलाहे लोग जो कपड़ा बुनते हैं ना वो भरनी होती है, मिलों में भी होती है बोला, चाहे कपड़े जुलाहे के घर में बुने जाएं और चाहे मिल में बुने जाएं, ताना बाना की तो जरूरत पड़ती है ना, भरनी की जरूरत पड़ती है। तो ये ईश्वर ये जो संसार रूपी कपड़ा बुनता है और इसमें तरह तरह के बेल बूटे बनाता है, इसमें आदमी का चेहरा, इसमें पशु का चेहरा, इसमें पक्षी का चेहरा, इसमें चंद्रमा सूर्य ग्रह नक्षत्र ये सब जो सृष्टि बनाता है ईश्वर, इसमें क्या निमित्त कारण होता है और इसमें क्या उपादान कारण होता है, बनाने वाला कुम्हार कहाँ से निकलता है और बनाने के लिए माटी कहाँ से आती है, सोना कौन सुनार कौन, कैसे सृष्टि बनी। वर्षा हो रही है बोला आप ईश्वर एकाथ। अब देखो ईश्वर ने कैसे सृष्टि बनाई, तो हम लोग जैसी स्थिति में रहते हैं ना ईश्वर के बारे में वैसी ही कुछ कल्पना करते हैं। एक जगह कुम्हार बैठता है, एक जगह माटी होती है और एक घड़े के बाद दूसरा बनता है, दूसरे के बाद तीसरा बनता है। तो ईश्वर कृपा से ऐसा समझो कि ईश्वर सृष्टि कैसे बनाता है, जैसे कुम्हार माटी से घड़ा बनाता है वैसे ईश्वर किसी भिन्न उपादान से सृष्टि बनाता है क्या। तो परमाणु पहले से थे और ईश्वर ने सृष्टि बनाई, ये कुम्हार बाद हुआ, कुम्हार बाद यही हुआ है ना, कि जैसे मिट्टी पहले से थी और संकल्प भी कुम्हार के मन में था और चाक भी था और सूत भी था और स्निग्ध मिट्टी भी थी, सब मसाला तैयार था, इसको आरंभवाद बोलते हैं वो, परमाणुओं को जोड़ करके अणु बनाना और अणुओं को जोड़कर त्रसरेणु बनाना और त्रसरेणुओं को जोड़ करके ये सृष्टि बनाना, बोलने एक प्रकृति है और स्वयं जो है वो पुरुष के भोग के लिए, जैसे कोई मसाला सड़ जाए और सड़ के वैसा बन जाए, ऐसे सृष्टि बन जाती है, आरंभवाद बोलते हैं। तो प्रकृति परिणामवाद और चित्त परिणामवाद और शून्य परिणामवाद और वैष्णव और शैवों उपासकों का समझो ब्रह्म परिणामवाद, तो किसी को परिणाम इष्ट नहीं है तो अविकृत परिणाम ऐसा बोलते हैं। तो अब ये श्रुति कहती है कि इस तरह से सृष्टि नहीं, सृष्टि ऐसे बनती है। कैसे बनती है, बोले माई सृजते, जैसे कोई मायावी पुरुष होवे, न वहां चाक है न माटी है न सूत है न दंडा है, है और जादूगर ने अपने जादू के बल से उसमें जो अचिंत्य शक्ति है, माया माने जादू की शक्ति, ये उपमा है वो उपमा, जैसे जादूगर बिना किसी मसाले के अपने आप को ही भिन्न भिन्न रूपों में दिखा देता है, कभी वो हाथी बनकर चिघाड़ता है और कभी सिंह बनकर के गर्जना करता है, सिंहनाद करता है, तो वो हाथी कैसे बना, तो वहां कोई हथिनी थी, कोई हाथी था, कोई बीज था, कोई उत्पत्ति हुई, क्या नहीं, जादूगर जो है वो अपनी अपने संकल्प से ही जादूगर हाथी बन गया और अपने संकल्प से ही सिंह बन गया, अपने संकल्प से ही नाग बन गया। तो ये मायावी का संकल्प है। बोले संकल्प कहाँ से आया, संकल्प में भी तो भेद दिखाई पड़ता है। बोले जिस एक अभिन्न तत्व में इन संकल्पों की रचना करने वाली अचिंत्य शक्ति है बोला, वह देवात्मशक्ति स्वगुणैर निगूढ़ाम, वही जो अचिंत्य शक्ति है, अनिर्वचनीय शक्ति है परमेश्वर में, वही सब कुछ बन जाती है, उसमें कुछ जरूरत दूसरी चीज की नहीं पड़ती। निरुपादान संरम्भम अभित्ता एव तन्वते जगत चित्रम,
नमस्तस्मै कलाश्लाघ्याय शूलिने। हम कलाकारों के श्लाघनीय हो, कलाश्लाघ्याय, जिनकी कला अत्यंत श्लाघनीय है, सराहना करने योग्य है, उन प्रभु को हम नमस्कार करते हैं। कैसी है कला उनकी? निरुपादान संरम्भम अभिप्रावेव तन्वते। कोई उपादान नहीं, माटी नहीं, सोना नहीं, लोहा नहीं, और तस्वीर बनाने के लिए कोई कपड़ा नहीं, कोई कागज नहीं, कोई भीत नहीं। अभिप्रावेव तन्वते, न तो तस्वीर बनाने के लिए, कोई भीत, न तस्वीर बनाने के लिए कोई रंग, न तस्वीर बनाने के लिए कोई हाथ। निरुपादान संरम्भम, न उसके लिए कोई उद्योग, न उसके लिए कोई संकल्प। लेकिन महाराज, ऐसी कला है इनके पास, ऐसी कला है परमात्मा के पास कि शून्य भीति पर चित्र, रंग नहीं, तनुबिन लिखा चितेरे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में बोलते हैं, शून्य भीत पर चित्र, शून्य के भीत पर ये चित्र है और रंग नहीं, रंग बिल्कुल नहीं है, और तनबिन लिखा चितेरे, और चित्रकार के हाथ ही नहीं है। चित्रकार के तो हाथ नहीं, रंग न धारत, तुलिका कहाँ से उठावे और किसने बोले, और भीत नहीं। बोले बाबा, ये ऐसी तस्वीर बनाई इसने, आश्चर्य तो ये है ना कि बिना आधार की तस्वीर शून्य आकाश में जैसे दिखाई पड़ रही हो, और बिना हाथ की बनाई हुई और बिना रंग की, कैसी तस्वीर होगी? बोले बाबा, इसका बनाने वाले के साथ संबंध नहीं है, न बनने वाले के साथ संबंध है, इसका तो सारा संबंध देखने वाले के साथ है। ऐसी तस्वीर अगर आसमान में कोई दिखाई पड़े, है ना, जिसको बिना हाथ वाले ने और बिना रंग के और बिना किसी आश्रय के, है ना, ऐसी तस्वीर कोई आकाश में दिखे तो क्या कहोगे? बोले तिरमिरे दिख रहे हैं। ये सुनते हैं हवाई जहाज वाले जब उड़ते हैं तो कहीं कहीं ऐसा कोहरा छाया हुआ होता है। ये हवाई जहाज वाले अपने अनुभव में जो चालक होते हैं ना, वो बताते हैं कि मालूम पड़ा कि सामने कोई पहाड़ है, है ना, मालूम पड़ा सामने कोई नगर है, रोशनी हो रही है, मंदिर बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं, सड़कें हैं, मोटरें दौड़ रही हैं, है ना, अरे कहीं हमारा जहाज टकरा न जाए, घुमा दिया। लेकिन बाद में जब जांच की गई तो वहां न कोई नगर है, न कोई पहाड़ की चोटी है, न बिजली है, न मोटर है, न आदमी है, ऐसे ही पहाड़ में दिखता है। तो वो कहां से दिखा भाई? वो देखने वाले की आंख का चमत्कार है, देखने वाले की आंख का चमत्कार है, जो एक अनहोनी चीज वो बना करके देखता है। तो ये माया के संबंध में यही मतभेद है क्या? ईश्वर में खुद ऐसी कोई अचिंत्य शक्ति है जिससे वो विश्व बनाता है। आसमान माई सृजते विश्वमेता, तो अस्मात् माने वेदोक्ता, अस्मात् माने पूर्वोक्ता अक्षरा, और अस्मात् नहीं आसमान, आसमान माने हम लोगों को, तीन तरह से इसका अर्थ है। तो ये कैसे बनाता है? बोले माई सृजते, ये माया है भाई, तो माया ईश्वर में है। देखो अद्वैत वेदांत में और संसार के समग्र सिद्धांत में माया के संबंध में यही इतना मतभेद है, उसको आप अपने ध्यान में बैठा लो। तो माया जो है वो कभी आपको मोहित नहीं करेगी। वो क्या है? वेदांती, अद्वैत वेदांती ऐसा मानते हैं कि हम लोगों को ये सृष्टि दिखती है, तब हम इसका अनुसंधान करते हैं कि अनंत ब्रह्म में ये कैसे पैदा हुई। तो जब आरंभवाद से या परिणामवाद से इसकी संगति नहीं बैठती है, तब हम ही सृष्टि की संगति बैठाने के लिए ब्रह्म में माया की कल्पना करते हैं। वस्तुतः ब्रह्म में माया नहीं है, सृष्टि को देख करके हम ब्रह्म में माया की कल्पना कर लेते हैं, और माया की कल्पना करने से सृष्टि की संगति लग जाती है कि ये सृष्टि ब्रह्म की माया है,
और फिर कहते हैं भाई वो मायावी ब्रह्म कैसा होगा, तो तब होता है ब्रह्मज्ञान, और जब ब्रह्मज्ञान होता है तब माया और माया का कार्य दोनों बाधित हो जाता है। और अखंड इसी कल्पना के, इसी ये कल्पना जो है, ये जो कल्पना है वही परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान में मददगार हो जाती है। जैसे देखो ना, बच्चे को गणित सिखाना हो और उसको कहा कि एक के बाद दो होता है और दो के बाद तीन होता है, अब बच्चा कहे कि हम इस कल्पना को स्वीकार नहीं करते, पहले दो होता है बाद में एक होता है फिर तीन होता है ना, पहली संख्या का नाम दो है और दूसरी संख्या का नाम तीन है और तीसरी संख्या का नाम एक है, अगर ये नाम बच्चा बदलना चाहे तो उसको गणित कभी आएगा, है ना? नहीं, पहले इस स्वयं सिद्धि को मान लो, है ना? एक एक दो ही होता है, एक एक तीन नहीं होता, क्यों नहीं होता एक एक तीन, तो इसको गणित में कहते हैं स्वयं सिद्धि। पहले ये मान लो कि पहली गिनती का नाम एक है, दूसरी गिनती का नाम दो है और एक एक दो होता है, इस प्रक्रिया को पहले मान लो, तब तुमको गणित आएगा। गणित सीखने का यही तरीका है। तो ये ईश्वर ने सृष्टि परमाणुओं से नहीं बनाई है, तुमने परमाणुओं से बनाते देखा थोड़ी है, अच्छा, और न तो ये प्रकृति से सृष्टि बनी है, क्योंकि प्रकृति से भी सृष्टि होते कोई देख नहीं सकता, बुद्धि के कारण को बुद्धि कैसे देखेगी। तो ये जैसे एक मायावी अपने को अनेक रूपों में दिखा देता है, वैसे मायावी परमात्मा अपने आप को अनेक रूप में दिखा रहा है, वो अखंड। जब अखंडार्थ भी होगी, अखंडाकार वृत्ति होगी, तब माया और माया का कार्य जो है वो स्वयं निवृत्त हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, ये ज्ञात होगा कि पहले से है ही नहीं। इसलिए माया की कल्पना परमात्मा में एक कल्पना करो और इसका फल ये होगा कि कोटि कोटि कल्पना निवृत्त हो जाएगी। शंकराचार्य भगवान ने और सुरेश्वराचार्य ने बृहदारण्यक के भाष्य में और वार्तिक में अक्षमा भवतः केयम् साधकत्व प्रकल्पने, तो यही यही जो अद्वैत वेदांत की दृष्टि से कल्पित माया है, वस्तुतः परब्रह्म परमात्मा के साथ माया का कोई संबंध नहीं है, परंतु प्रपंच का संबंध काटने के लिए माया का कल्पित संबंध है। और जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो माया का संबंध भी कट जाता है और प्रपंच का संबंध भी कट जाता है, और जो माया का संबंध कल्पित नहीं मानेगा, है ना, उसके लिए प्रपंच का संबंध भी परमात्मा से नहीं कटेगा। इसलिए और दूसरे जितने मत मतांतर हैं माया को मानने वाले, वे ब्रह्म के साथ माया का वास्तविक संबंध मानते हैं। अच्छा, तब ईश्वर सगुण हो गया, है ना? ब्रह्म सगुण कब हुआ? जब माया रूप शक्ति का ब्रह्म के साथ वास्तविक संबंध हुआ, तब तब ब्रह्म सगुण। और यदि वास्तविक संबंध नहीं, अध्यारोपित संबंध, तो ब्रह्म निर्गुण, निर्विशेष, निराकार, निर्विकार, यही निर्विशेषवाद और सविशेषवाद का मौलिक मौलिक अंतर है। तस्मिश्चान्यो, तो ये माया से सृष्टि हुई, श्रुति बता रही है माया से, और दोनों के लिए इसमें गुंजाइश। माया जो है वो ईश्वर की स्वाभाविक अचिंत्य शक्ति है, कि माया जो है ये व्यवहार की, प्रपंच की ईश्वर में संगति बैठाने के लिए कल्पित शक्ति है। वो तो बाबा तत्वतो तत्वतो भाभी, चाहे माया तात्विक हो तब भी सृष्टि की प्रक्रिया सबकी एक है, और अतात्विक हो तब भी सृष्टि की प्रक्रिया एक है। बोले भाई, एक बादल पैदा हुआ और उसने पानी बरसा दिया, मतलब ये प्रश्न ये है कि वो बादल जो था वो सच्चा था कि किसी जादूगर ने अपने जादू के बल से बादल पैदा किया था? वर्षा तो बादल से ही होगी, चाहे वो बादल माइक हो चाहे वास्तविक हो, वर्षा तो बादल से ही होगी। तो ये प्रतिपादन की शैली है। तस्मिश्चान्यो मायया समनिरुद्धा, उसमें जो अज्ञानी पुरुष है, जिसको ये बात नहीं मालूम है कि ये परमात्मा का स्वरूप नहीं है, माया का खेल है, वही अन्य है, बोला वो अविवेकी, वो जो अज्ञानी है अन्य,
जो अपने को माया के अधिष्ठान और माया के प्रकाशक परमात्मा से अभिन्न नहीं जानता वही अन्य है और वही माया सम निरुद्धः, माया के द्वारा वही इस प्रपंच में रोक लिया गया है। सम निरुद्ध हो जाओ, जाए जाए स्व नहीं अस्व, पैदा हो और मरो। सम निरुद्ध का अर्थ है आओ, पैदा हो और मरो। माया ने उसको फंसा लिया। माया ने कैसे फंसाया? बोले अजी हमको तो बढ़िया सुंदर शब्द सुनने को चाहिए कान से, और रूप देखने को चाहिए आंख से, और गंध सूंघने को चाहिए नाक से, स्वाद लेने को चाहिए जीव से। ये माया ने शब्द स्पर्श रूप रस का ऐसा जाल फैलाया कि इसको छोड़ करके मुक्त होने की किसी की इच्छा ही नहीं होती। यही माया का संदरोध ये है कि मनुष्य भोग चाहता है, योग नहीं चाहता। तो जो भोग चाहेगा उसको रोग होगा है? और जो योग चाहेगा उसको मोक्ष होगा। मोक्ष का संबंध योग से है और रोग का संबंध भोग से है। भोगी रोगी होगा और योगी मुक्त होगा। तो ये माया ने क्या किया? ऐसा महाराज ये महाठगिनी ने वो जाल फैलाया। क्या मुलायम सुकुमार का ये सुकोमल चाचा है, का ये पुष्प है कैसा सुकुमार, गुलाब की पंखड़ी, कमल की पंखड़ी, ये सुकुमार जो है का ये देखो क्या स्वाद है महाराज, बढ़िया आम का स्वाद, आम का स्वाद, इमली का स्वाद, केले का स्वाद, क्या बढ़िया बढ़िया स्वाद है। यही माया है। इस माया में जो फंस गया कि हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, माया ने कहा कि बेटा अभी थोड़े दिन और रहोगे तब न ये भोगने को बढ़िया बढ़िया मिलेगा, अभी अभी तुम कैसे मुक्त होगे। ये संसार में कौन फंसेगा? जो संसार की वस्तुओं को भोग के लिए चाहेगा। माया ने कोई रस्सा बांध के गले में किसी को नहीं पकड़ा है, हाथ में हथकड़ी नहीं लगाई, पांव में बेड़ी नहीं लगाई। ये जो संसार की वस्तुओं की चाह, संसार की वस्तुओं की चाह जो लोगों के मन में भर दी, यही माया के द्वारा सम निरोध है। इस संसार की गुफा में बंद कर दिया, अब यही रहो अब यही रहो, इससे बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। तो फंसा कौन? कहानियां अन्य हमारे जो अज्ञानी है, जो ये जानता नहीं कि हम माया के खेल में फंस रहे हैं, असलियत को छोड़ करके, असली को छोड़ करके नकली में फंस रहे हैं। ये जिसको मालूम नहीं है वही इसमें फंसता है। बोले ये माया माया क्या है और माई माई क्या है सो बोलो। तो मायां तु प्रकृतिं विद्यां मायिनं तु महेश्वरं तस्यावयव भूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत। प्रकृतिं तु मायां विद्या, ये जगत का जो उपादान कारण है उसको माया समझना। प्रकृतिं तु मायां, मायां तु प्रकृतिं विद्या ऐसे नहीं, प्रकृतिं तु प्रकृति माने कारण। ये संसार में जितने कार्य दिखाई पड़ रहे हैं इनकी कारणभूत जो वस्तु है उस वस्तु को माया समझना। और मायिनम तु महेश्वरम, और महेश्वरम तु इसका जो नियंता है करता है उसको माया भी समझना। अर्थात माया रहित जो शुद्ध ब्रह्म है ना, जो शुद्ध ब्रह्म है उसमें न मायित्व है और न माया है। ये इसका अर्थ ये नहीं कि ये माया और मायावी का प्रतिपादन है, बल्कि ये है कि जो निर्विशेष ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म है, वो उसमें कारणता रूप माया नहीं है। प्रकृति माने कारण, कारणता रूप माया उसमें नहीं है और उसमें कारणीपना रूप माईपना मायावित्व नहीं है। और माया भी कौन? जो माया की उपाधि से युक्त है सो महेश्वर है, और जो माया जो प्रकृति है, ये जगत किसी कारण से उत्पन्न हुआ है ऐसी जो कल्पना है, वो कारणभूता जो कल्पना है वही माया है। ये असल में बिना श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि दो दृष्टि साधक को रखनी चाहिए, जिज्ञासु को दो दृष्टि रखनी चाहिए।
एक तो जब ये कार्य दिखता है तब इसमें एक तो कारण दृष्टि बनी रहे, माने इसका जो मूल रूप है, मोती तुम्हारे सामने आ रहे तो मोती मत देखो, वो पानी की बूंद है ये देखो, ये कारण दृष्टि हुई हो तो पानी की बूंद देखोगे तो मोती की लालच नहीं होगी, और अगर केवल उसको मोती ही देखोगे तो उसमें लालच हो जाएगी और दुश्मन को मिल गया वो मोती तो दुख हो जाएगा, और अपने को मिल गया तो बोले सुख हो जाएगा, और किसी तीसरे को मिल गया तो उदासीनता हो जाएगी, और मोती को एक पानी की बूंद देखोगे तो न तुम्हें मिलने से खुशी होगी, न दुश्मन को मिलने से नाराजगी होगी, और न तीसरे को मिलने से उदासीनता होगी, तुम तो स्वयं उदासीन हो। तो व्यवहार में कारण दृष्टि की प्रधानता रखना, कार्य दृष्टि की, कार्य दृष्टि की नहीं। ये सब मिट्टी पानी आग ये सब पंचभूतों के ही खेल हैं। कोई लाल हुआ तो क्या, कोई पीला हुआ तो क्या, कोई काला हुआ तो क्या, कोई हरा हुआ तो क्या, है तो सब पंचभूतों का ही खेल, एक बात। और दूसरी बात ये देखते थे, बताते थे कि केवल शब्द स्पर्शादि विषय ही नहीं, ये जो नेत्र श्रोत्रादि इंद्रिय है ये भी, और जो अंतःकरण है ये भी, ये क्या है? बोले ये सब बिना कारण के ही हैं, किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुए हैं, न ये परमाणुओं से बने हैं, न प्रकृति से बने हैं, न कर्म से बने हैं, न चित्त से बने हैं, न शून्य से बने हैं। माया से बनने का अर्थ क्या होता है? माया से बनने का अर्थ हुआ किसी मूल उपादान से ये नहीं बने हैं, बिना बने भास रहे हैं। तो तत्व दृष्टि ये हुई कि चाहे कोई ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, और उसका अंतःकरण, उसकी इंद्रियां, उसका शरीर, ये सब बिना कारण के ही कार्य रूप में प्रतीत हो रहे हैं, माने इनका कार्यत्व जो है वो मिथ्या है, इनका कार्यत्व मिथ्या है। तो जब इनका कार्यत्व ही मिथ्या है तो केवल ये दृश्य मात्र है, दृश्य मात्र है, इनमें कार्य कारण का भेद बिल्कुल नहीं है। ये हुई तत्वदृष्टि। तो तस्याभूतस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत, जैसे एक मायावी, एक जादूगर, एक जादूगर अपने को जब सिंह बन के दिखावे तो अपने में कान भी दिखा देगा, दाढ़ भी दिखा देगा, और दो पांव की जगह चार पांव दिखा देगा। तो ये क्या है? तस्याभूतस्तु, उसी जादूगर के अवयवों से, जैसे रस्सी में सांप दिखेगा तो उसका पेट भी दिखेगा, पूंछ भी दिखेगी, मुंह भी दिखेगा, आंख भी दिखेगी, उसकी पीठ भी दिखेगी, इसी प्रकार ये माया विशिष्ट जो मायावी है, इस मायावी के जो मायामय अवयव है, उन्हीं मायामय अवयवों से, बोले उसमें निरवयव में अवयव कहाँ से? बोले मायामय अवयव तो उसमें होते ही है, तो उसके मायामय अवयव से, इसका अर्थ नहीं है कि ईश्वर से अवयव है, तस्यावय भूतस्तु या माया सावय है, ये भी नहीं, माया तो सावय और निर्वय दोनों से विलक्षण है, अनिर्वचनीय है, इसलिए सावयवत्वेन माया का भी निर्वचन नहीं हो सकता, और सावयवत्वेन ईश्वर का भी निरूपण नहीं हो सकता, दोनों सावयव नहीं है। अरे कोई चीज होवे तब न उसके हिस्से होवे, तब तस्यावय भूतस्तु कल्पित अवयवों के द्वारा ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच जो है ये व्याप्त हो रहा है। सर्वमिदम जगत, ये सब जगत क्या है? तो माया का खेल, जादू का खेल, और जादू के ही हिस्से हिस्से हिस्से, टुकड़े 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 जादू के खेल के ये दिखाई पड़ रहे हैं। यो योनिम योनिम अधितिष्ठति कहा यस्मिन् निदम समच विचयति सर्वम तमीशानम वरदम देवमीडियम समच, ये छूटी गया है, गीता प्रेस वाली पुस्तक में भी छूट गया है, और अपने श्वेताश्वतर ये जो छपा है निर्णय सागर से उसमें भी छूट गया है, तो उसमें भी छूट ही गया है। समच चाहिए, यस्मिन् निदम समच विचयति सर्वम तमीशानम वरदम देवमीडियम निचाज्येमाम शांतिमत्यंतमेति यो जोनिम जोनिम अधितिष्ठति एकः। कारण को बहुत मालूम पड़ते हैं, आम की गुठली अलग और जामुन की गुठली अलग,
इमली का चिया अलग, सब सब अलग अलग, परंतु प्रत्येक जोनी में अधिष्ठान रूप से वही मौजूद है। अधितिष्ठति का मान अधिष्ठान रूप से वही मौजूद है। एका वो खुद एक है, योनियां अलग अलग हैं और प्रत्येक योनियों में अधिष्ठान एक है। माने स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, पशु अलग है, पक्षी अलग है, है? आकर 4,84,84 लाख योनियां हैं, 84 लाख, और 84 लाख योनियों का अधिष्ठान एक है। जैसे जेवर कितने हैं ना, कोई महाराज स्रौत स्त्री होवे या स्मार्ट, स्मार्ट माने स्मार्ट बोला, तो चाहे स्रौत होवे और चाहे स्मार्ट, उससे पूछा जाए कि सोने से कितनी तरह के जेवर बन सकते हैं, बता सकती है? स्मार्ट से स्मार्ट स्त्री भी नहीं बता सकती कि सोने से कितने जेवर बन सकते हैं, क्योंकि अभी आगे जो डिजाइन निकलने वाली है ना, वो तो महाराज सोना तो स्वयं दिव्यायन है बोला, वो दिव्यताओं का खजाना है, चाहे जितने बढ़िया बढ़िया है ना, बढ़िया बढ़िया उसमें से आकार प्रकार निकाल लो, कोई नहीं बता सकता कि सोने में से कितनी तरह के जेवर निकलेंगे, लेकिन सब जेवरों का जो सोने में बनेंगे उनका अधिष्ठान कौन होगा, तो सोना होगा। तो ये समझो स्त्री पुरुष है, कोई हार है, कोई कंगन है, कोई कुंडल है, है? कोई नाक की बुलाहट है, ऐसे महाराज कोई गोल मटोल है, कोई लंबे ना लंबे लंबे हैं, है ना, कोई मोटे तगड़े हैं, कोई सूक्ष्म है, कोई स्थूल है, ये सब योनिम योनिम है ना, और सब में जैसे सोना होता है वैसे परमात्मा सब में सोना। बोले सोने में भी भेद होता है, हो कि ये कच्चा सोना है और ये पक्का सोना है और ये कुंदन है, है? ये फलाना है। संस्कृत साहित्य में भी सोना का बहुत भेद बताया हुआ है। बोले नहीं, ये कहा ये भिन्न भिन्न नहीं है, एक है, इसमें स्वगत भेद, स्वगत भेद भी नहीं है, विजातीय जोनी जोनी कृत विजातीय भेद नहीं है, सजातीय भेद नहीं है और स्वगत भेद नहीं है। जस्मिन निदम सर्वम समेति च बीच और बी एति च, देखो सम उपसर्ग है और च के बाद एति जुदा है बोला, तो सम एति च और बी एति च ऐसे है। समेति माने समेति, जिसमें इस सबकी उत्पत्ति होती है, और बी एती जिसमें सब विविधता को प्राप्त हो जाता है, माने बिखर जाता है, प्रलय को प्राप्त हो जाता है। समेती का अर्थ है जुड़ करके पैदा होना और बी एती का अर्थ है बिछुड़ करके नष्ट हो जाना। तो जिसमें सब चीजें समी सिमट सिमट कर, समेती समेती माने सिमट सिमट करके, समेती समेत समेत करके चीज पैदा होती है ना, कई चीजों को एक बालू का पिंड, बालू के कण अलग अलग बिखरे हुए हैं, उनको समेत के एक पिंड बना दिया, मिट्टी अलग अलग बिखरी हुई है एक पिंड बना दिया, तो समेत करके सृष्टि होती है और बिखेर करके बीएच करके ये सृष्टि जो है ये नष्ट हो जाती है। तो च जो है ये दोनों का समन्वय करने के लिए, समाहार करने के लिए है। जस्मिन इदम सर्वम समेति च बीएति च, बीएति च जिसमें सब समन्वय को प्राप्त होता है और जिसमें सब व्यय को प्राप्त होता है। बी के साथ एति जुड़ेगा तो व्यय बनेगा और सम के साथ एति जुड़ेगा तो समय समन्वय बनेगा। जिसमें सब ये बनता है और जिसमें सब बिगड़ता है। तमीशानम वरदम देवमीदियम, ओय महाराज ईशान, ईशानों का ईशान, सबके बनने बिगड़ने पर भी स्वयं एक रस, वरदम वर देने वाला है।
हमारे भक्तों के अभीष्ट को सिद्ध करने वाला है, वो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का अर्थ ये है कि वो स्वयं अपनी ओर से कुछ नहीं करता, जैसा तुम संकल्प करो वैसा ही होता है। तुम अपने मन में संकल्प करो कि हम ईश्वर के साथ मिले बैठे हैं, तो तुम ईश्वर के साथ मिले बैठे हो, और तुम ये संकल्प अपने अपने मन में करो कि हम राक्षस के साथ मिले बैठे हैं, तो तुम राक्षस के साथ मिले बैठे हो। यही है, तुम समझो कि ये दुष्ट है तो तुम दुष्टों से घिर जाओगे, और तुम ये चाहो कि हम शिष्टों से घिरे हैं तो शिष्टों से घिरे हो। इस परब्रह्म परमात्मा में परब्रह्म परमात्मा की ओर से कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, तुम्हारे संकल्प की ओर से होता है। तो वरदम का अर्थ है जो तुम चाहते हो वही उसमें मिलता है। तुम ऐसी जगह बैठे हुए हो कि अच्छे संकल्प करोगे तो अच्छा मिलेगा और बुरे संकल्प करोगे तो बुरा मिलेगा। इसलिए इस कल्प वृक्ष के भीतर बैठ करके अच्छे संकल्प जोड़ो बाबा, बुरे संकल्प मत जोड़ो। वरदम तुम्हारे मांगे हुए वर को वो देने वाला है। बोला समझो कि अब इसमें स्त्री पुरुष का भेद छोड़ दो, सब जीव हैं और सबके अंदर वृत्तियां हैं और सब एक एक वर से विवाह करना चाहती हैं। लेकिन ये बात गलत है, हो सब एक एक वर से विवाह कहाँ करना चाहते हैं, है ना? जिसको देखते हैं उसी को विवाह करना चाहते हैं। वर वृत्तियों ने एक वर कहाँ रखा है, वर भरिए गोपाल जी मारो चुड़लो अमर हो जाए, एक वर को कहाँ चाहते हैं, अनेक वर को चाहते हैं। लेकिन ये परमात्मा ऐसा है, इसमें एक बर मांगो, इससे तुम्हारा अभिलषित बर ये देगा। देगा माने खिलाड़ी है, क्यों ऐसा कर देता है भाई? बोले खिलाड़ी है ना, स्वयं प्रकाश है, उसमें विशेष का प्रकाश उसकी ओर से नहीं होता, वृत्ति के अनुरोध से विशेष का प्रकाश होता है। जिसकी जैसी वृत्ति है उसके लिए विशेष का प्रकाश, वृत्ति की उपाधि से, अंतकरण की उपाधि से विशेष का दर्शन होता है। इसलिए अंतकरण में तुम्हारे जैसा बर वैसा मिलेगा, वो देव है। देव इदियम संसार में स्तुति करने योग्य केवल वही है। दूसरे की तारीफ करोगे तो उसके साथ फंस जाओगे, और उसकी तारीफ करोगे तो संसार से छूट जाओगे। निचा जियो, इसको निचोड़ो, इसी परमात्मा का जो सार सार तत्व है उसको निकालो, समझो। इमाम शांतिम अत्यंतम एति, फिर से ये जो प्रत्यक्ष वर्तमान शांति है, महापुरुषों के हृदय में जो शांति विराजमान रहती है, वही शांति तुम्हारी होगी, वही शांति तुम्हें मिलेगी जो महान पुरुषों के हृदय में रहती है। कब? जब सबके भीतर एक परमात्मा को देखोगे। यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानं स नो बुद्धिया सुभया संयुनक्तु। ये मंत्र पहले आ चुका है, भूल न गया हो तो याद कर लेना एक बार, ये मंत्र आया है, केवल एक शब्द का फर्क है। और तीसरे अध्याय में एक बार ये मंत्र आया हुआ है। चौथा नंबर, यो देवानां प्रभवश्च उद्भवश्च, जिसमें संपूर्ण विश्व सृष्टि पैदा होती है और बढ़ती है, जो संपूर्ण विश्व का स्वामी है, जो रुद्र है माने प्रलय भी जिससे होता है, और जो सर्वमहर्षि माने सर्वज्ञ है। हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानं, वहाँ हिरण्यगर्भं जनया मास पूर्वम, ऐसा है। देखो देखो हिरण गर्भ उससे उत्पन्न हो रहा है, माने तुम वहां बैठ जाओ जहां परमात्मा में समष्टि बुद्धि की उपाधि से हिरण गर्भ पैदा होता है। उसको देखो, क्या देखो? कि परमात्मा से समष्टि बुद्धि की उपाधि में है ना, आत्मदेव प्रतिबिंबित होकर के हिरण्यगर्भ बन रहे हैं। परब्रह्म परमात्मा जो है वो समष्टि बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर के हिरण्यगर्भ बन रहा है। तो जायमानम हिरण्यगर्भम पश्यता पश्यता, देखो देखो, क्या देखें? देखो परब्रह्म परमात्मा में
समस्ती बुद्धि की उपाधि से हिरण्य गर्भ पैदा हो रहा है, क्षण क्षण पैदा हो रहा है, क्षण क्षण हिरण्य गर्भ पैदा होता है, मरता है, पैदा होता है, मरता है, और तुम इसके दृष्टा हो, साक्षी हो, है ना। सनो बुद्धिया सुभया संजुनक्तु, हम सब श्रोता वक्ताओं को वही परमात्मा शुभ बुद्धि से माने ब्रह्माकार वृत्ति से हो, समदमादि साधन संपन्न, श्रवण मननादि निष्ठ, तत्व साक्षात्कारवती शुभ बुद्धि से वो हमको जोड़े, माने हमें ऐसी बुद्धि पैदा हो जिससे हम उसको देख सके। समष्टि का तो आधार हो गए और समष्टि का तो स्वामी हो गए, देवानाम अधिपकार से समष्टि का स्वामी और जस्मिन लोका अधिश्रिता समष्टि का आधार। लेकिन यदि व्यस्तियों की हम लोगों की उपेक्षा करता हो तो बोले कि नहीं, हम लोगों में भी खास तरह की दिलचस्पी रखता है क्योंकि हमारी आत्मा ही है ना, अपने में भला कौन दिलचस्पी नहीं रखता है। जिन लोगों को हम बिल्कुल असुंदर समझते हैं ना, काले लोग हैं ये, हम लोग दूसरों को काला समझते हैं और हम लोगों को काला समझने वाले दूसरे लोग हैं, तो जिनको बहुत असुंदर माना जाता है उन लोगों में भी सुंदरता के लिए लड़ाई होती है और खूबसूरती के लिए और मुकदमा चलता है, हैं? और उसमें भी अपनी पसंद होती है, वहां भी सौंदर्य होता है। तो ये सारी जो सृष्टि है द्विपद और चतुष्पद, सब में वो खास दिलचस्पी रखता है, उसकी रुचि है, सबका नियंत्रण करता है। जो ईशे स्यो द्विपदश्चतुष्पद, जो दो पद वाले और चार पद वाले, दो पद वाले मनुष्य हैं और चार पद वाले पशु हैं, और ये संपूर्ण प्राणियों के लिए उपलक्षण है, समझो। प्राणी मात्र का वो ईश्वर है जो ईशेष्य द्विपदश चतुष्पद, वो प्राणी मात्र का ईश्वर है, माने सबका नियमन करता है, नियंत्रण करता है, केवल वैधानिक राष्ट्रपति नहीं है, है ना, बल्कि नियंता राष्ट्रपति है। अधिप तो केवल वैधानिक भी होता है ना, तो वो वैधानिक अधिपति नहीं है, वो वैधानिक अधिपति नहीं है बल्कि ईश्वर समर्थ नियंता अंतर्यामी अधिपति है। ये बोले स ईशेष्य द्विपदश्चतुष्पद, ये द्विपदश्चतुष्पद दोनों को मनुष्य में ही ले लो, बोला जो ब्रह्मचारी और सन्यासी हैं वे तो द्विपदा हैं और जो गृहस्थ और वानप्रस्थ हैं वो चतुष्पदा। तो इसे एक संशोधन कर देते हैं भाई, है ना, जहां पति पत्नी का मन मिल गया और एक काम में लग गए वहां तो चतुर्बाहु हो गए, विष्णु के रूप में लक्ष्मी नारायण, प्रत्येक गृहस्थ प्रत्येक वानप्रस्थ लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है यदि उनका मन मिलता है, और मन नहीं मिलता है तो है? बोले तब तो भाई फिर है ना, मिले हुए तो हैं और मन नहीं मिलता है, क्रिया नहीं मिलती है, तब क्या हुए, बोले चतुर्बाहु नहीं है तो चतुष्पद है, चार पाए, चार पाए, काम मिला एक उद्देश्य से, दोनों कंधे से कंधा भिड़ा करके काम कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक पैसा ला के देता है और एक रसोई बना के खिलाता है, न दोनों दोनों से पूरक हो गए, न दोनों का मन एक, दोनों का तन एक, दोनों का उद्देश्य एक, बोले क्या है कि ये चतुर्बाहु हैं, विष्णु रूप है वो, लक्ष्मी नारायण हैं, और नहीं मन नहीं मिलता, तन नहीं मिलता है, उद्देश्य नहीं मिलता, तब क्या है, बोले ये मनुष्य ही दो तरह के हैं, द्विपदश चतुष्पद, ये चतुष्पाद मनुष्य हैं। अच्छा तो ये कहो कि उपनिषद में चतुष्पाद शब्द की कोई बहुत निंदा हो, सो बात नहीं है, उपनिषद में चतुष्पाद दो तरह का है, वो
एक चतुष्पाद ऐसा है जिसका एक पाद संसार है और तीन पाद ब्रह्म है। एक नाम रूप जो है ये प्रथम पाद जो है ये तो प्रपंच है, और सत चित आनंद ये तीन जो है त्रिपादस्यामृतम देवी पादों से विश्वाभूतानी त्रिपादस्यामृतम देवी है, तो सब ब्रह्म रूप है। और एक एक पाद कैसा है, तीन पाद संसार है और एक पाद ब्रह्म है। विश्व तेजस प्राग ये तीन पाद प्रपंच है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और विश्व तेजस प्राज्ञ और विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर, ये क्या है, क्या बोले ये संसार है और तुरीय जो पाद है चतुर्थ पाद वो ब्रह्म है। तो जो स्वयं आत्मा चतुष्पाद, जब आत्मा को ही ब्रह्म को ही चतुष्पाद कहा गया है ना? अरे भाई, जो लोग वेदांत सुनते हैं उनके संस्कार में तो चींटी फतिंगा नरक स्वर्ग अनंत कोटि ब्रह्मांड अपने ही स्वरूप है ना, तो चतुष्पाद कहने से खटकता क्यों है? तो असल में जो उपासना करते हैं ना वेदांत की, वो यो सोचते हैं शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम शिवोहम, तब वो बोलते हैं कि अशुद्ध जो है वो शैतान है, अबुद्ध जो है वो शैतान है, अमुक्त जो है वो शैतान है, और मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हूँ, दो विभाग करके ही वे आत्मा की उपासना करते हैं और अनात्मा का तिरस्कार करते हैं। और जहाँ अद्वैत का ज्ञान हो गया है, जहाँ अद्वैत का ज्ञान हो गया वहाँ तो सर्व आत्म स्वरूप है ना। तो स ईशेष्य द्विपदोस्य चतुष स ईशेष्य द्विपदश्चतुष्पदा, जितने द्विपाद हैं और जितने चतुष्पाद हैं। तो ब्रह्मचारी द्विपाद है, विराय नहीं हुआ उसका, और सन्यासी जो है वो द्विपाद है। तो जितने पशु हैं और जितने मनुष्य हैं, जितने अलग अलग व्यष्टि प्राणी हैं, सबका वो ईश्वर है। ईश्वर है माने नियंता है, तत्त्व कर्मानुरूप फल दाता है एक, और दूसरा ये कि वे अपने अपने कर्म फल के अनुरूप फलते फूलते रहते हैं। दूधो नहाओ और पूतो फलो, उसका आशीर्वाद है सबके लिए। हम लोगों के यहाँ जब कोई है ना बहू आके प्रणाम करती है तो जो बड़ी बूढ़ी स्त्रियां होती हैं ना वो यही आशीर्वाद देती हैं, दूधो नहाओ और पूतो फलो। तो तुम दूध से तो नहाओ और खूब पुत्र रूप फल मिले तुमको, पूतो फलो, दूधो नहाओ और पूतो फलो, तो वो ठीक है, बहुत बढ़िया है। पर ईश्वर का अर्थ यहां ये है कि द्विपाद और चतुष्पाद में जितनी विकृति होती है, देवता में जितनी विकृति होती है, लोक में जितनी विकृति होती है, और द्विपाद चतुष्पाद में जितनी विकृति होती है, विकृति माने विकार, अदल बदल, परिवर्तन, फेर फार, विवर्त, बोला जितनी तरंगें उठती हैं, तो देवता अलग अलग हैं और अदलते बदलते रहते हैं लेकिन उनका अधिप एक है, और लोक जो है ये ऊपर नीचे होते रहते हैं लेकिन इनका अधिष्ठान एक है, और ये द्विपाद और चतुष्पाद जो है ये कर्मानुसार अदलते बदलते रहते हैं लेकिन इनमें जो ईश्वर है वो इनके अदलने बदलने से अदलता बदलता नहीं, एक रस है। द्विपाद चतुष्पाद के जन्म मरण से और फलने फूलने से उसका कोई संबंध नहीं है, यही उसका ईश्वरत्व है कि इनका कर्म, इनका धर्म, इनका गुण, इनकी अवस्था है के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। कस्मै देवायो हविषा विधेम, कस्मै माने आनंद रूपाय प्रजापतये, ये किम शब्द जो होता है इसको तो सर्वनाम बोलते हैं, तो उसका रूप होता है कस्मई, लेकिन क जो है वो सुख है, सुख का वाचक जो क शब्द है, अथवा प्रजापति का वाचक जो क शब्द है,
अथवा सिर का वाचक जो क शब्द है अथवा जल का वाचक जो क शब्द है, क माने जल तो रस रसात्मक प्रवाह, कल क माने शिरोभाग मस्तिष्क ज्ञान, और क माने ब्रह्म, क माने प्रजापति, क माने सुख, कम ब्रह्म खम ब्रह्म। उसके लिए संस्कृत में लौकिक व्याकरण में काय बनता है, काय देवाय हविषा विधेम, ये काय के लिए कस्मई है। तो दो बात इसमें देखो बताई गई। अब ईश्वर के संबंध में, ईश्वर के संबंध में इस मंत्र में पांच बात बताई गई है, वो ईश्वर के स्वरूप की जानकारी के लिए। वो संपूर्ण देवताओं का अधिपति है, अर्थात अध्यात्म अहम है। माने देवता माने आंख कान नाक आदि जो भिन्न भिन्न इंद्रियां हैं ना, इनका अधिपति है, माने इनका संचालक एक अहम है। तो प्रश्न हुआ कि वो परिच्छिन्न है, तो बोले कि नहीं, जस्मिन लोका अधिश्रता, संपूर्ण लोकों का अधिष्ठान है, माने वो परिपूर्ण है। बोला अब अच्छा परिपूर्ण है तो सबके अदलने बदलने जन्म मरण का असर उसके ऊपर पड़ता होगा। तो बोले स ईशेष्य द्विपदश चतुष्पदा, द्विपद चतुष्पद किसी के जन्मने मरने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, निर्विकार है, है ना। जो देवानाम अधिपा का अर्थ है प्रत्यगात्मा, जस्मिन लोका अधिश्रिता का अर्थ है अधिष्ठान, ज ईशेष द्विपदश चतुष्पद का अर्थ है निर्विकार, कस्मय का अर्थ है सुख स्वरूप, और देवाय का अर्थ है स्वयं प्रकाश। बोला ये लो परमात्मा, इसका नाम हुआ वेदांत वेद परमात्मा। विस्तार करके नहीं समझाते हैं वो, तो मंत्र में जो मंत्र का जो हीर है, मंत्र मंत्र पेड़ होता है ना पेड़, तो उसके बिल्कुल बीच में जो वृक्ष का हीर होता है तने के अंदर, उसको हीर बोलते हैं। मंत्र का हीर है माने ये हृदय है, हीर है माने हृदय है मंत्र का, ये कि परमात्मा में ये पांच बातें हैं। वो स्वयं प्रकाश है माने ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है, द्विपद चतुष्पद में ईश है अर्थात निर्विकार है, और जस्मिन लोका अधिश्रता माने सर्वाधिष्ठान है, और जो देवानाम अधिपकार तो प्रत्यगात्मा है। ये पांच बातें परमात्मा में हैं। अब मंत्रार्थ का निश्चय हो गया कि मंत्र का अर्थ क्या है। बोले उसी देवता के लिए, उसी परमात्मा के साक्षात्कार के लिए हविषा विधेम, है ना, ये जो भोग प्रपंच है इसको उसमें अर्पण कर दें। हविष्य माने भोग्य प्रपंच, जैसे नैवेद्य भगवान के सामने लगाते हैं ना थाल में, वैसे ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच का नैवेद्य उस परमात्मा को लगा दें कि महाराज आप आरोग्य हैं, और जब आरोग्य लेंगे ना परमात्मा जी, भगवान जब इसको आरोग्य लेंगे तब क्या होगा, ये नैवेद्य उसके पेट में चला जाएगा। तो जो चीज जिसके पेट में चली जाती है उससे अलग तो नहीं होती है ना, तो ये जो आरोगा हुआ भोग है, ये आरोगा हुआ जो ये दृश्य प्रपंच है, ये परमात्मा ने आरोग लिया और उसके पेट में गया। बोले बस भाई वही वही मैं, क्योंकि वो तो प्रत्यगात्मा ही है ना, तो हविषा विधेम, हविष्य के द्वारा हम उसकी परिचर्या करते हैं। हविष्य का अर्थ है हवन की सामग्री। कपूर डालते हो आग में कि नहीं, कपूर क्या है, गंधक द्रव्य है ना, गंधक द्रव्य। और घी, घी डालते हो कि नहीं, जौ गेहूं डालते हो कि नहीं, तो वो गंधक द्रव्य पृथ्वी है। वो घृत आदि डालते हो क्या है, वो द्रव द्रव्य है ना, द्रव द्रव्य है। इसी प्रकार सोना आदि डालते हैं कि नहीं, कुश आदि डालते हैं कि नहीं, तो ये सब जो है
ये संपूर्ण विश्व प्रपंच को भविष्य बना करके एक पिंड बना करके बढ़िया, जैसे श्री रामानुज संप्रदाय में गोष्ठी होती है ना, गोष्ठी गोष्ठी होती है तो संपूर्ण भोज्य पदार्थ का एक पिंड बना देते हैं, गोष्ठी हुई। कैसी प्रकार संपूर्ण विश्व प्रपंच प्रकृति और प्राकृत प्रपंच को, भोग्य प्रपंच को, दृश्य प्रपंच को भविष्य के रूप में लेकर के इन्हीं परमात्मा को विधेय न इनकी सेवा में लगा दो, इनमें अर्पित कर दो, मैं इनसे ये जुदा नहीं है, है ना, ये साक्षात्कार कर लो, कर लें हम लोग ऐसा विधेय अभिशा विधेम सूक्ष्माति सूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टारमनेकरूपं विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति। अच्छा देखो, वो जो मंत्र है ना ऊपर वाला, उसमें श्री कृष्ण का वर्णन है, थोड़ा गौर करके देखो तो मालूम पड़ेगा। वो तो ऐसा रहता है, श्री कृष्ण का वर्णन है कैसे, जो देवानाम अधिपः, जो देवताओं का स्वामी है, ब्रह्मा रुद्र इंद्र आदि देवता जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि महाराज पधारो, है ना, स्वामी न होता तो क्यों हाथ जोड़ते, गर्भस्तुति करते हैं कि नहीं, गर्भस्तुति करते हैं। और देखो जीवन काल में बाणासुर के प्रसंग में शिव पराजित हुए कि नहीं, और बछड़ों के चोरी के प्रसंग में ब्रह्मा पराजित हुए कि नहीं, और गोवर्धन धारण में इंद्र पराजित हुए कि नहीं, और काम पराजित हुआ रास के प्रसंग में कि नहीं, है ना, और वरुण जो है कौवे नंद बाबा के अपहरण के समय पराजित हुए कि नहीं, तो क्या हुआ, देवानाम अधिपा नहीं है, जो जा कृष्णा देवानाम अधिपा, ये देवताओं का स्वामी है। और यस्मिन लोका अधिश्रिता, जिसके शरीर में जिसमें सारे लोग अधिश्रित हैं, वो जसोदा मैया ने क्या देखा, जसोदा मैया ने देखा कि कृष्ण के मुंह में सारी दुनिया, और एक बार नहीं दो बार। अर्जुन ने क्या देखा, यस्मिन लोका अधिश्रिता, यही तो अर्जुन ने देखा ना। धृतराष्ट्र ने क्या देखा, जस्मिन लोका अधिश्रिता। उत्तंक ने क्या देखा, जस्मिन लोका अधिश्रिता। उत्तंक तो शाप देने जा रहे थे कृष्ण को, महाभारत में कथा है कि महाभारत युद्ध के अनंतर उत्तंक मुनि बड़े क्रोध में आए, बोले कि ये श्री कृष्ण ने महाभारत करवा करके कौरव वंश का नाश किया है, तो मैं इसको शाप दूंगा। अब महाराज भगवान प्रकट हो गए रास्ते में, उनसे बोले कहाँ जा रहे हो, है ना, एक ब्राह्मण बैठ के रास्ते में पेशाब करने लगा हो, तो उत्तंक जी रुक गए कि कैसे जाए, अब उसकी पेशाब है ना बंद हो, पेशाब की नदी बह गई, है ना, अब उत्तंक जी खड़े खड़े कि गंदी चीज में पांव रख के तो जाएं कैसे, है ना, और ये उठे तब तो जाएं, अब वो उठे नहीं और पेशाब बंद हो नहीं, बोलिए कौन है महाराज, समुद्र बना रहा है, नया समुद्र खारा बना रहा है। अरे बोले ये क्या, बोले वो ब्राह्मण ने और पूछा कहाँ जा रहे हो, तो जा रहे हैं कृष्ण को साप देने के लिए, कहा हमारी पेशाब का तो तुम उल्लंघन नहीं कर सकते, इसके तो पार नहीं जा सकते, और कृष्ण को साप दोगे जिसने सृष्टि बनाई है, उसको साप दोगे, जस्मिन लोका आदेश देता। फिर विराट रूप का दर्शन दिया, ये समुद्र जो है ना भगवान की कोख में रहता है, और एक एक नस नारियां जो है वो नदी के रूप में, नदी के रूप में बह रही हैं, वो जस्मिन लोका आदेश रहता। तो जसोदा मैया ने दो बार, और अर्जुन ने एक बार, धृतराष्ट्र ने एक बार, और उत्तंक ने एक बार, पांच बार संपूर्ण विश्व सृष्टि को श्री कृष्ण ने अपने शरीर में दिखाया। जस्मिन लोका आदेश रहता द्विपदश्चतुष्पद, भाई द्विपाद पर तो ईस बहुत हुए हैं, पर चतुष्पाद पर ईस तो कृष्ण ही है, वो कैसे, दोनों तरह से देखो, एक पालन की दृष्टि से ईश्वरत्व और एक ध्वंस की दृष्टि से ईश्वरत्व। तो ये महाराज वृषभासुर और केसी ये सब कौन थे, केसी घोड़ा बन के आया था ना,
वो चतुष्पाद था, वो चतुष्पाद। और वृषभासुर कौन बन था, वो बैल बन करके आया था, तो वो चतुष्पाद था। और द्विपदा की दृष्टि से देखो तो बगुला भी द्विपदा है ना, बकासुर भी द्विपद है, और अघासुर जो है वो बहुपद है, अपद है, अपद सांप के पांव नहीं होते, अघासुर जो है वो अपद है। तो ये अपद और बहुपद और द्विपद और चतुष्पद और प्रलंबासुर व्योमासुर आदि जो है ये द्विपद है, कंस आदि जो है ये द्विपद है, सबके ऊपर कृष्ण का ईश्वरत्व है कि नहीं। तो जो जिन्होंने द्विपत्व है ना, द्विपाद और चतुष्पाद, इन पर अपना ईश्वरत्व को प्रकट किया। और जो कस्मई गोपियों के लिए सुख स्वरूप हैं, और जो वस्तुतः कस्मई सुख स्वरूप हैं, और जो स्वयं प्रकाश देवता हैं, क्रीड़ा करने वाले देवाधिदेव, हविषा विधेम, आओ हम अपने जीवन का भविष्य लेकर के उनकी सेवा करें। यो देवानाम अधिपो यस्मिन् लोका अधिश्रिता ईशेष्यद्विपदश्चतुष्पदा कस्मै देवायो हविषा। कस्मै ककाराद्य देवाय, जिनके नाम के आदि का अक्षर क है, ऐसे देवता को है ना, कस्मै देवाय हविष्य के द्वारा हम उनकी परिचर्या करें। सूक्ष्माति सूक्ष्मम कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारम् अनेक रूपम् विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम् ज्ञात्वा शिवम् शान्तिमत्यन्तमेति। इन सब बातों की व्याख्या हुई है बोला। सूक्ष्माति सूक्ष्मम, सबसे सूक्ष्म है प्रकृति, सबसे सूक्ष्म है हिरण्यगर्भ, उससे भी जो अति सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म, कारण में सभी कार्य सूक्ष्म दशा में रहते हैं। तो वो कारण कौन सा है, का प्रकृति है, वो कारण कौन सा है, का हिरण्य गर्भात्मक संकल्प है। तो वो जो उससे भी अति सूक्ष्म है परब्रह्म परमात्मा, और कलिलस्य मध्ये, कलिल माने प्रकृति से लेकर के जितना ये प्राकृतिक प्रपंच रूप, एक गहन वन, एक दुर्ग, एक बूंदा बांदी बुलबुले प्रकट होते हैं, हो ये कलिल शब्द का प्रयोग होता है, रज और वीर्य का संयोग होने पर कललंत्वेकरात्रेण, प्रथम रात्रि में जो माता के पेट में कलल होता है, दोनों का जो काढ़ा बनता है उसको बोलते हैं कलिल। उसमें जो सूक्ष्मतम चेतन जो मौजूद है, देखो ना, वो अगर ध्यान में आ जाए तो परब्रह्म परमात्मा को पहचान लोगे। सूक्ष्म उसमें चेतन है कि नहीं, अगर है नहीं तो प्रकट कहां से हुआ। चेतन है ना उस अवस्था में, वही कारण बार ये ब्रह्मांड, ये जब ब्रह्मांड रूप अंडा प्रकट हुआ तो इस अंडे में जो पानी था है ना, उस पानी में जो चेतन, उसका नाम कलिलस्य मध्ये सूक्ष्माति सूक्ष्मम, उस कलिल के बीच में था। हमारे एक मित्र हैं, वो व्याख्यान देते हैं तो बीच में नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं भीतर के, बीच के, अंदर के माए। तो सूक्ष्माति सूक्ष्मम, भीतर के, हृदय के, भीतर के, बीच के, अंदर के माए। तो है ना, वो जो परमात्मा है कलिलस्य मध्ये सूक्ष्माति सूक्ष्मम, वो कलिल के भीतर जो सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में विश्वस्य स्रष्टारम, वे विश्व के स्रष्टा हैं, माने उन्हीं से विश्व की सृष्टि हुई है। अनेक रूपम, अनेक रूप में प्रकट हुए हैं। विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम, जो संपूर्ण विश्व को एक घेरने वाले विराट रूप में
ऐसे शिव परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को जो ज्ञान लेता है उसको आत्यंतिक शांति की प्राप्ति होती है। अत्यंत शांति का अर्थ है कि ऐसी शांति मिल जाए जिसका भंग फिर न हो, ऐसी शांति जिसका भंग न बाहर का कोई कर सके और न भीतर का कोई कर सके। बाहर आकर के कोई घटना और कोई विषय जिसकी शांति का भंग न कर सके और भीतर आकर के कोई वृत्ति जिसकी शांति का भंग न कर सके, जो सब घटनाओं में सब द्रव्यों में सब वृत्तियों में एक रस अनुस्यूत है, वो शिव परम कल्याण स्वरूप परिवेष्टिता माने घेरे हुए हो। अत्यतिष्ठत दशांगुलम जो है ना, परिवेश माने मंडल होता है। और दूसरा अर्थ इसका होता है जो संपूर्ण विश्व को अकेला घेरे हुए है ये, और जो संपूर्ण मंडलाकृति जैसे सूर्य पर कभी परिवेश होता है, परिवेश होता है माने मंडल बैठता है, चंद्रमा पर परिवेश होता है मंडल बैठता है। पर परिवेष्टिता शब्द का प्रयोग एक बड़े विलक्षण अर्थ में भी होता है व्यवहार में। जो परस है ना रसोई खिलाते समय जो परस है उसको परिवेष्टिता बोलते हैं, परिवेषयिता, परोसना जिससे बना है ना, हिंदी में जिससे परोसना बना है इसका संस्कृत में है परिवेषणा। गोपियों के प्रसंग में देखो परिवेशयंत्य तद हित्वा पायंत्य शिशुन पय, परस रही थी अपने पतियों को इसी समय बांसुरी बजी और परसना छोड़ दिया और श्याम सुंदर की ओर चल पड़ी, जथा नदी चंदमाना समुद्रे अस्तंग छंती, जैसे नदियां बह रही हैं। तो ये परमात्मा कौन है? ये परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है, यही ब्रह्म है। सूक्ष्माति सूक्ष्मम का अर्थ है ये ब्रह्म है, और कलिलस्य मध्य का अर्थ है यही ईश्वर है, और विश्वस्य सृष्टारम का अर्थ है ये ब्रह्मा है, और अनेक रूपम का अर्थ है ये जगत है। जरा विभाग कर लो तो मजा आ जाए इसका। हो सूक्ष्माति सूक्ष्मम माने ब्रह्म है, कलिलस्य मध्य माने माया की उपाधि में आभास हो गया, ये आभास है, कलिलस्य मध्य ये आभास है, और विश्व से सृष्टारम ये ब्रह्मा है, और अनेक रूपम ये जगत है, ये परमात्मा ही है सब। बोले सब बना के चुप बैठ गया, नहीं महाराज लेके माखन मिश्री परसता है, साकी है, साकी साकी तो बोलते हैं ना, परसने वाले को क्या बोलते हैं, हाँ पिलाने वाला हो, हाँ मधुप कितो बंधो मास प्रसांग्रिम सपत्न्या, मधुपाई है, मधु पीने वाला है और मधु परसने वाला है ना, ये मधु 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 है ना, ये सृष्टि में जो मधु भरपूर है, मधु बातारिकायते मधु क्षरन्ति सिंधवः माधवीर न संतो सदी मधु नक्त मुतो ससो मधुमत पार्थिवम रजा, हमारी संध्या मधुमयी है, हमारा प्रातः मधुमय है। ये लाली जो है ना, ये सायंकाल की लाली काहे की, एक मधु की लाली है, ये प्रातः काल में जो अरुणोदय है क्या है, क्या ये मधु की लाली है, और ये नदियों में जो ध्वनि है ये मधुमय संगीत है, बोला नदियों का जो संगीत है ये मधुमय संगीत है, और एक एक जो धूल कण उड़ रहा है ये क्या है, क्या मधुमय है, क्या इस मधु को बरसने वाला कौन है, इसको पिलाने वाला कौन है, क्या विश्व से अलग अलग होंगे, एक एक ब्रह्मांड में एक एक देश में अलग अलग होंगे, क्या ना विश्व से एकम परिवेष्टितारम, संपूर्ण विश्व को बरसने वाला एक ही है, वही सबको मधु दे रहा है, हमारी आंखों को मधु देने वाला सौंदर्य के रूप में, हमारे कानों को संगीत के रूप में सौस्वर्ज का मधु देने वाला, हमारी त्वचा को सौकुमार्ज के रूप में मधु देने वाला, हमारी नासिका को सौरभ्य के रूप में मधु देने वाला,
हमारी जिह्वा को सौरस्य के रूप में मधु देने वाला, परसने वाला दूसरा कोई नहीं हो, हमारे हृदय को सौहित्य सौहार्द हृदय मधु वो नहीं, उग्र नहीं, तीक्ष्ण नहीं, जिसमें रस ही रस है, उस सौम्य मधु सोम सोमज रस सौम्य मधु का पान कराने वाला कौन है का उसी ने हमको रस दे दे करके, रस पिला पिला करके का उसी ने हमको परसा है। विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम्, केवल ग्रोसरी दिखाने वाला नहीं हो, एक तो होता है केवल जीवन का निर्वाह देने वाला, तो भाई खाने पीने का तुम्हारा काम चलता है, पहनने का काम चलता है, कहाँ चलता है, तब फिर और क्या चाहिए तुमको, ले हम तुम्हें 1000 रुपए महीने में देते हैं, खाओ पियो पहनो, ये सन्मात्र ईश्वर हुआ ना, केवल जिलाना जीवन का निर्वाह देता है। और महाराज एक ने कहा देखो हम तुम्हारे पढ़ने लिखने ज्ञान बढ़ाने की व्यवस्था कर देते हैं, बुद्धि बढ़े तुम्हारे, वो कौन ईश्वर होता है, बोले चिन्मात्र ईश्वर होता है। और एक महाराज वो ईश्वर है ना जो केवल निर्वाह नहीं देता है और केवल पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था ही नहीं करता है, जीवन में रस का संचार करता है, वो आनंद मात्र ईश्वर है, हो मधुदान करने वाला ईश्वर परिवेष्टिता, उसको अगर तुमने जान लिया, जो आनंद बरस रहा है, प्रत्येक इंद्रिय को पृथक पृथक आनंद दे रहा है, मन को आनंद दे रहा है, बुद्धि को आनंद दे रहा है, आनंद आत्मा बन करके हृदय में बैठा हुआ है, जो आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, जिसने उस ब्रह्म के आनंद को जान लिया वो कभी भयभीत नहीं होता। रसो वैसा रसम ये वायम लब्ध्वा आनंदी भवती, ये रसो वैसा वो रस स्वरूप है, रस में गति होती है, ये इसी से सर शब्द भी बनता है, रसगते तो दूसरा है वो, और सरा ये असल में सरस्वती में जो सरा है, सरस सरोवर, सरा और रसा ये दोनों एक ही चीज है, तो रस माने आनंद और सर माने ज्ञान, ज्ञानात्मक आनंद, रस का अर्थ है ज्ञान, सर माने ज्ञान होता है, सरस्वती माने ज्ञानवती विद्यावती, ज्ञानात्मक आनंद जिसमें विषय नहीं, जिसमें क्रिया नहीं है, जिसमें दृश्य नहीं, जिसमें अन्य नहीं, ऐसा जो ज्ञान स्वरूप आनंद है, उस आनंद का परिवेष्टिता माने ज्ञान दान करने वाला गुरु, वही वही मधु दान करने वाला, रस दान करने वाले गुरु के रूप में भी वही प्रकट होता है। ज्ञात्वा शिवम शांति मत्यंतमेति, यदि इस शिव को जान लिया तुमने तो अत्यंत शांति की प्राप्ति होगी। जो जान लेता है, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, देवता हो, दानव हो, मानव हो, जो भी कोई उस परमात्मा को जान लेता है, शिव को जान लेता है, उसको अत्यंत शांति की प्राप्ति होती है। सैव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढा यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च तमेव ज्ञात्वा मृत्युपाशाश्चिनत्ति। सैव काले भुवनस्य गोप्ता, काले माने स्थिति काले, वही परमात्मा स्थिति काल में इस भुवन का गोपता है, गोपता है माने रक्षक है, इसी में से तो गोप शब्द निकला है। भगवान को गोप क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो गोपता है, गोपायति गुपु रक्षण है, गोपायति गाह पाती थी गोपह, ये उसकी मुख्य उत्पत्ति नहीं है, वो जो गाय की रक्षा करे सो गो, ये मुख्य उत्पत्ति नहीं है, गोपायति गुपु रक्षण है, गुप धातु से गोप शब्द बना है, गोप्ता जो सबकी रक्षा करता है उसका नाम गोप्ता, तो स्थिति काल में वही भुवन का गोप्ता है माने रक्षक है। काली माने, काली माने है
जब जीवों का वो अदृष्ट उदय होता है जिससे उनकी रक्षा होवे। रक्षणोपयोगी अदृष्ट के उदय काल में वो रक्षा करता है, अपनी ओर से नहीं करता। नहीं तो वैषम्य निर्घृण रूप दोष आएगा, तो वैषम्य निर्घृण रूप दोष न आए इसलिए जीवों के रक्षणोपयोगी अदृष्ट का उदय होने पर जो उनकी रक्षा करता है। काले का अर्थ, काले का अर्थ सीधे कर लो क्या, काले काले समय समय पर राम कृष्णादि के रूप में अवतार लेकर के, कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के, काले काले माने द्वापरे द्वापरे, द्वापरांते द्वापरांते, त्रेतायाम त्रेतायाम, प्रत्येक प्रति त्रेता में और प्रत्येक द्वापर में, काल काल में माने अवतार काल में, भुवनस्य गोप्ता, जो समय समय पर अवतार धारण करके भुवन की रक्षा करता है। तो क्यों ऐसा क्यों करता है कि विश्वाधिपः, क्योंकि वो सबका मालिक है, तो मालिक रक्षा नहीं करेगा तो और कौन करेगा, वही विश्व का, वही विश्व का रक्षक है, विश्व का अधिप है। बोले तब तो फिर कहीं एक जगह रहता होगा, कहने सर्वभूतेषु गूढः, सबके भीतर जैसे हृदय है ना सबके शरीर में, गूढ़ है हृदय, कौन सी चीज है हृदय, गूढ़ है। देखो आपकी आंख की पुतली गूढ़ है भला, क्योंकि आपको नहीं दिखती है, और आपका हृदय आपको गूढ़ है क्योंकि अभी आप ऐसा कोई यंत्र नहीं निकला जिससे अपनी आंख से, अपनी आंख से अपनी बुद्धि को देखें, नहीं देख सकते। तो ये है सर्वभूतेषु गूढ़ः, सबकी आत्मा के रूप में बैठा है और साक्षी रूप में बैठा है, ब्रह्म रूप में विराजमान है। अब देखो बताते हैं क्या शिष्टाचार। तो कई देश तो ऐसे हैं भाई जहां सिस्टर ही शिष्टाचार की स्वामिनी होते हैं, है ना। तो हमारे तो स्त्री ही सिस्टर है ना, वही शिष्टाचार की स्वामिनी नहीं है, पुरुष भी हमारे है ना शिष्ट हैं। तो ये जो शिष्ट लोग हैं ना, कौन का जस्मिन युक्ता ब्रह्मा ऋषयो देवताश्च, जिसमें ब्रह्मा, ब्रह्मा माने वेद, ब्रह्मा और ब्राह्मण, और ऋषय माने मंत्र द्रष्टा, और देवता माने मंत्रों के प्रतिपाद्य, है ना। ये सब जिसमें युक्त हैं माने अभेद से जिसमें स्थित है, उस परमात्मा को जानो। वेद में तीन चीजें हो, एक तो ब्रह्म माने मंत्र, और एक ऋषि माने उस मंत्र का द्रष्टा। तो एक तो हुआ ब्राह्मण, ब्रह्म माने ब्राह्मण, तो ब्राह्मण तो होवे लेकिन अलौकिक पदार्थ का द्रष्टा न होवे तो उसको ब्रह्मर्षि नहीं बोलते हैं, ब्राह्मण मात्र है ब्रह्मर्षि नहीं है। और ब्रह्मर्षि होने के लिए तो वशिष्ठ को, विश्वामित्र को वशिष्ठ की स्वीकृति लेने के लिए बड़ी भारी तपस्या करनी पड़ी। वो बोले तुम राजर्षि हो, वो बोले तुम महर्षि हो, बोले तुम देवर्षि हो, लेकिन विश्वामित्र ने कहा नहीं ब्रह्मर्षि बोलो, है ना। अब वो ब्रह्मर्षि बोलने के लिए बड़े बड़े विवाद हुए। बोले ब्राह्मण तो जन्म मात्र से ही ब्राह्मण है, बोले ब्राह्मण होना तो सुगम है लेकिन ब्रह्मर्षि होना सुगम नहीं। ब्रह्मर्षि उसको कहते हैं जो ब्राह्मण भी हो साथ साथ और अलौकिक पदार्थ का दृष्टा भी हो, उसको ब्रह्मर्षि कहते हैं, परमात्मा को जाने इसका अर्थ है, वो ब्रह्मर्षि होता है। और देखो ब्रह्मा और ऋषि अलग अलग, और ब्रह्मा माने वेद और ऋषि अलग अलग, और ऋषयः देवताश्च, वेद के आदि गुरु ब्रह्मा, वेदों के मंत्रों के दृष्टा ऋषि, और उन मंत्रों के द्वारा प्रतिपाद्य जो देवता, ये सब जस्मिन युक्ता माने जिसमें अभेद से स्थित है। तमेव ज्ञात्वा मृत्युपापाश्चिनत्ति, उसी को जानकर, तमेव ज्ञात्वा उसी को जानकर, दूसरे को जानकर नहीं, जिसमें सब अभेद से स्थित है उसी को जानकर, और ज्ञात्वा एव जानकर ही, और मृत्युपापाश्चिनत्ति
मृत्युपातान छिनत्ति एव सर्वम वाक्यम सावधारणम। इसको बोलते हैं एव पद का जहाँ प्रयोग हो वहाँ अधिक से अधिक वाक्य में उसका उपयोग कर लेना चाहिए, बोला सर्वम वाक्यम सावधारणम। उसी को जान कर ही और मृत्यु का जो फंदा है, मृत्यु का, अज्ञान का और दुख का जो फंदा है, मृत्यु शब्द जो है ये तीन का और परिच्छिन्नता का चार पदार्थ जो है, मृत्यु पद का चार अर्थ है। एक तो मरना, और मरना तो न हो तब पर बेवकूफ बनना, अज्ञानी होना, ये भी मृत्यु ही है वो। अच्छा फिर दुखी होना, कहिए भी मृत्यु है। और फिर परिच्छिन्न होना, कटना, सीमित होना, कहिए भी मृत्यु है। इन चार बातों को वो काट देता है, माने स्वयं स्वयं रह जाता है ब्रह्म रूप से, जो इसको जान लेता है। सैव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढ़ा यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च। अब देखो वही काल में माने द्वापरांत में ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में प्रकट हुआ, वो कोई दूसरा नहीं सर्वेश्वर विश्व का स्वामी है, जब चाहे अपने शरीर में विश्व को दिखा दे और मिटा दे। वो सर्वभूतेषु गूढ़ा, गोपियां उनको सब जगह देखती हैं, जित देखो तित श्याममयी है ना, जित देखो तित श्याममयी है। कौन है? कहिए सर्वभूतेषु गूढ़ा है, सर्वभूत में छिपा हुआ है, तभी तो भक्तों को दिखता है ना, भक्ति युक्त ज्ञान के द्वारा दिखता है सर्वभूतेषु गूढ़ा। और जस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च, ब्रह्मा और नारद आदि ऋषि और इंद्रादि देवता सब जिसकी आराधना करते हैं, तमेव कृष्णम ज्ञात्वा, उसी श्री कृष्ण को जब जानोगे तब मुरपासान, मृत्युपासान माने मुरपासान है ना, वो जो है ना आसाम में प्राग ज्योतिष को, वो जब भौमासुर को मारने के लिए गए थे ना, तो उसके मंत्री मुर ने चारों ओर फंदे लगा रखे थे, माने ये कांटेदार तार जो है ना, कांटेदार जो तार हैं इनको बोलते हैं मुरपास है ना, मुड़ने वाले, मुड़ने क्या बोलते हैं उनको है? जो कांटेदार तार लगाते हैं ना, कांटेदार तार, मुड़ने वाले हो, मुड़ने वाले पास, मुर माने मुड़ने वाले, पास माने फंदे, मुड़ने वाले जो फंदे हैं ना कांटेदार तार चारों तरफ उसके किले की लगे हुए थे, वो क्या थे वाले, मृत्यु पास, उसमें कोई पड़ जाए तो फंस जाए मर जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से उनको काट करके है ना भौमासुर को जा करके उद्धार किया। तो जो इसको जान ले महाराज, उसके मुर पास का वे छेदन कर देते हैं, वही छेदन कर लेता है। अच्छा अब आगे का प्रसंग जो है।